राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उड़ीसा की फेमस दही वड़ा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए मेरे अंदाज में। बहुत ही कम समय में आप टेस्टी सा दही वड़ा बनाकर खा सकते हैं। इन गर्मियों के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन तो बहुत होता है इन गर्मियों के मौसम में। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को 6-7 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लिया था। इसे मैंने छिलके वाला लिया है उड़द की दाल, आप बिना छिलके वाला भी ले सकते हैं। तो इसे हम अभी पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। एक कटोरी में इसे निकाल लिया है बाहर। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च, थोड़ी सी धनिया के पत्ते डालकर हम इसे अच्छी तरह हाथों से फेंट लेते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए। आप इसे जितना फेंटेंगे हमारा बड़ा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे फेंट लिया है। अब एक छोटी कटोरी में हम पानी में डालकर इस पेस्ट को देख लेते हैं। अगर ये पानी में तैरने लगेगा तो आप समझ लीजिए आपका पेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। अगर ये पानी के नीचे डूब जाएगा तो आप 5 मिनट के लिए और फेंट लीजिए। तो ये देखिए, ये ऊपर ही आ चुका है। तो हमारा पेस्ट अच्छा बन चुका है। तो मैंने कढ़ाई पहले ही गर्म कर ली है। अब थोड़ा सा पानी हम हाथ धोएंगे और इस पेस्ट को हम तेल में थोड़ा आराम से छोड़ेंगे। तो इस बड़े को देखिए, मैंने सारा तेल में डाल दिया है और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे पलटते रहेंगे थोड़ी सी कलर आ जाने तक। तो कुछ समय देखिए, इसका कलर थोड़ा सा आ चुका है। हम और थोड़ी देर से पकाएंगे और थोड़ा सा कलर आ जाने के लिए। तो ये देखिए, वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा आ चुका है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगर आपको मार्केट जैसा वड़ा चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा आप पहले पानी का हाथों को भिगो दीजिए और इस उड़द की दाल को हाथों से पकड़िएगा और उंगलियों से आप बीच में इसे होल्ड कर दीजिए और तेल के अंदर जाते हुए आराम से इसे डाल दीजिए। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाएगा। तो आपको जिस तरह सा शेप देना है आप दे सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं या मार्केट जैसा इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसे मैं अब सारा पानी में डाल देती हूँ इस वड़े को। एक कटोरी में मैंने पानी लिया हुआ है और सारे वड़े को हम 5 मिनट के लिए पानी में छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैकेट दही लिया हुआ है, इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए, चला लिया है, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी डाल देती हूँ पहले। आपको कितना थिक रखना है, पतला रखना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर एक गिलास पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देते हैं और घर का भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। इससे स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे कम से कम और 2-3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और पानी से जो वड़े को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं और इन दही के अंदर छोड़ देते हैं इस तरह से। देखिए, तो सारा मैंने पानी निचोड़ लिया है। और इसके लिए हम अभी एक तड़का तैयार करेंगे। इस दही के अंदर हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं बड़े को। और तड़के के लिए उसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा तेल लिया हुआ है मैंने और थोड़ी सी सरसों, सूखी लाल मिर्च, 2-3 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। और इसे ठंडा जब हो जाएगा तो हम फिर दही के अंदर डालेंगे। गरम गरम नहीं डालना चाहिए, लेकिन दही फट जाएगा। तो कुछ समय बाद ये तड़का ठंडा हो चुका है तो इसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा दही वड़ा तैयार हो चुका है एवरीवन, उड़ीसा का फेमस दही बड़े। तो इसे हम अब काट कर एक दिखा देती हूँ आपको कितना सॉफ्ट बना है ये, सॉफ्ट और जूसी। तो देखिए, चम्मच से काट लिया है मैंने, मुंह में जाते ही ये खुल जाएगा, उतना ही सॉफ्ट बना है, सॉफ्ट। तो इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए एवरीवन। मिलती हूँ आपको और एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक बाय एवरीवन।